jungle. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में 29 साल के एक शख्स को भतीजी के मर्डर के मामले में 46 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पुलिस को उसकी बॉडी नेकेड हालत में समुद्र में तैरती मिली थी। भतीजी दोषी डेरेक बैरेट की फैमिली के साथ सिडनी में ही रह रही थी। बैरेट ने कोर्ट में कहा था कि वो अपनी भतीजी की ओर सेक्सुअली अट्रैक्ट था, इसलिए उसने उसकी जान ले ली। 25 साल की चाइनीज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेंगमेई लिंग साउथ वेस्ट सिडनी के कैंपस ही में पिछले 5 साल से अपने अकनल बैरेट की फैमिली के साथ रह रही थी। बैरेट ने केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया था कि वो अपनी भतीजी की ओर सेक्सुअली अट्रैक्ट था और इसीलिए उसने ये रास्ता चुना। बैरेट ने कोर्ट को बताया था कि 22 अप्रैल को जब उसकी वाइफ 2 दिन के लिए शहर से बाहर गई, तो सुबह के वक्त उसने लिंग को बेड से बांधकर उसकी 19 नेकेड फोटोज खींची। इसके 2 दिन बाद बैरेट ने लिंग पर लगातार कई बार जानलेवा हमले किए और आखिरकार गले पर खतरनाक हमला कर जान ले ली। इसके बाद 24 अप्रैल को बैरेट ने उसकी बॉडी प्लास्टिक में लपेटी और स्नैपर पॉइंट पर ले जाकर पहाड़ी से समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद वाइफ के लौटने पर उसने पुलिस स्टेशन में अपनी भतीजी के लापता हो जाने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। हालांकि बाद में उसकी डेड बॉडी नेकेड हालत में समुद्र में तैरती मिली। वहीं बैरेट की कार में रखी भतीजी की लाश की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हो गई और मर्डर की बात सामने आई। इस मामले में एनएसडब्ल्यू सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बैरेट को 46 साल जेल की सजा सुनाई है। इसमें 34.5 साल तक उसे पैरोल भी नहीं मिलेगी। सजा सुनाते वक्त जस्टिस हेलन विल्सन ने कहा कि ये भयानक क्रूरता और दुष्टता का अपराध है जिसके लिए कोई माफी नहीं। वहीं बैरेट ने सजा सुनाए जाने से पहले कहा कि मैंने अपने काम से अपनी और उसकी फैमिली को मुश्किल में डाल दिया है। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी, मुझे खुद से नफरत हो रही है।